हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज कुमार तिवारी। आपको स्वागत है जय हो फैंटेसी चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं TAS वर्सेस VCT टीम के बारे में। मैच स्टार्ट होने में अभी भी 14 आवर्स 49 मिनट्स है। इंडिया का टाइम का अंसार देखा जाए तो कल सुबह 5 बजे को मैच स्टार्ट होगा। पिच बैलेंस के बारे में बात करते, ये पिच फास्ट बॉलिंग के लिए अच्छा सपोर्ट करेंगे। और एवरेज स्कोर के बारे में बात करा जाए तो 240 से 250 रन बन सकते हैं। और ये पिच बैटिंग के लिए भी अच्छा सपोर्ट करेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर बाई मिस्टेक डिस्क्रिप्शन से मेरा टेलीग्राम चैनल शो नहीं होता तो आप टेलीग्राम में जाके इस तरह सर्च करने से मेरा टेलीग्राम चैनल शो हो जाएगा, @jehofantasy। कुछ बंदे ने मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम से फेक अकाउंट बनाया। दोस्तों, आप उसमें भूल से भी ज्वाइन मत करना, आपको ये फेक टीम देगा। ये फेक अकाउंट भी है दोस्तों, जिसमें 555 सब्सक्राइबर्स दिखाई दे रहे हैं, उसमें ज्वाइन करना। दोस्तों, इस दोनों अकाउंट में भूल से भी ज्वाइन मत करना। इसी तरह मैं आपको फाइनल टीम दूंगा लाइनअप अनाउंस होने के बाद। जो मैं आपको टीम दूंगा हेड टू हेड 3 स्पॉट 4 स्पॉट और 5 स्पॉट्स में ट्राई करने से आप 100% विन होंगे। अब तक आप जितने लॉसेस हुए वो मेरे टेलीग्राम चैनल कवर कर देगा, इसीलिए मेरे टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। आपको आपको लॉसेस कवर करना है तो आप माई मास्टर 11 में खेलेंगे दोस्तों, तब 100% आपका जितना लॉसेस हो आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि माई मास्टर 11 एक लो कॉम्पिटिशन है दोस्तों। उसमें आप 100% आप विन कर सकते हैं, क्योंकि नया ऐप है दोस्तों। आप उसमें ज्वाइन करेंगे तो आप 100% विन करेंगे। यही है दोस्तों माई मास्टर 11 का लिंक। चलिए दोस्तों, लेट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले विकेट कीपर के बारे में बात कराया जाए तो मैंने पी हैंडस्कोप को लूँगा, क्योंकि पी हैंडस्कोप ने लास्ट मैच में कमाल का बैटिंग किया। दोस्तों, इनका स्टैट्स के बारे में बात करें तो लास्ट मैच में फर्स्ट इनिंग में 367 बॉल्स पर 281 रन मारा था। दोस्तों, कमाल का बैटिंग किया था दोस्तों लास्ट मैच में फर्स्ट इनिंग में। इनको सेकंड इनिंग में चांस नहीं मिला दोस्तों, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में इनका टीम VCT टीम ने बहुत अच्छा बैटिंग किया दोस्तों, सब लोग मिलकर। और उनको फर्स्ट इनिंग में इनका जो टीम था अपोजिट टीम को उनको जल्द से जल्द आउट कर दिया दोस्तों, फर्स्ट इनिंग में भी और सेकेंड इनिंग्स में भी। कमाल का बॉलिंग और कमाल का बैटिंग किया दोस्तों VCT टीम ने लास्ट मैच में। हैंडकॉप तो लास्ट मैच में कमाल का बैटिंग किया है। मैंने विकेट कीपर में एक विकेट कीपर को पिक कर लिया हूँ, पी हैंडस्कोप को। उनका स्टैट्स भी बता दिया। अब बैट्समैन के बारे में बात करा जाए तो एम हरीश, सी जेवल और जे सिल्क को। मैंने बैट्समैन में तीन बैट्समैन को पिक किया। उनका स्टैट्स के बारे में बात करा जाए तो एम हरीश के बारे में बात करा जाए तो लास्ट मैच में 223 बॉल्स पर 111 रन मारा था दोस्तों। ये भी VCT टीम का है दोस्तों, कमाल का बैटिंग किया है इन्होंने भी। इनको भी सेकंड इनिंग्स में चांस नहीं मिला था दोस्तों, लेकिन फर्स्ट इनिंग में कमाल का बैटिंग किया था दोस्तों, 223 बॉल पर 111 रन। और सी जयवल के बारे में बात करें तो फर्स्ट इनिंग में फ्लॉप थे दोस्तों, 39 बॉल पर 8 रन मारा था दोस्तों। और सेकंड इनिंग्स के बारे में बात करें तो सेकंड इनिंग्स में कमाल का बैटिंग किया है, 213 बॉल्स पर 108 रन मारा दोस्तों, कमाल का बैटिंग किया था दोस्तों सेकंड इनिंग्स में। फर्स्ट इनिंग में फ्लॉप था, लेकिन सेकंड इनिंग में कमाल का सेंचुरी मारकर कम बैक किया दोस्तों। सेकंड इनिंग्स में कमाल का बैटिंग किया था दोस्तों। और जय सिल्क के बारे में बात करें तो जय सिल्क ने फर्स्ट इनिंग में भी इतना बड़ा स्कोर नहीं मारा तो सेकेंड इनिंग्स में भी। फर्स्ट इनिंग के बारे में बात करें तो जय सिल्क ने 53 बॉल्स पर 25 रन मारा था दोस्तों, इतना बड़ा स्कोर नहीं मारा था दोस्तों। और सेकंड इनिंग के बारे में बात करें तो सेकंड इनिंग्स में ना जे सिल्क ने 52 बॉल्स पर 24 रन मारा था दोस्तों, इतना बड़ा स्कोर नहीं था दोस्तों, इतना बड़ा मार नहीं सका। लेकिन एक इंपॉर्टेंट प्लेयर जे सिल्क आपको ग्रैंड लीग भी जिता सकते, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है दोस्तों, आप इनको 100% पिक करना। मैंने बैट्समैन में तीन बैट्समैन को पिक किया, उनका स्टैट्स भी बता दिया। अब ऑलराउंडर में देखा जाए तो वी वेस्टर और
डब्ल्यू सुदरलैंड और एम शॉर्ट को। इनका स्टैट्स के बारे में बात कर, वी वेस्टर के बारे में बात करें तो लास्ट मैच में वी वेस्टर ने फर्स्ट इनिंग में 81 बॉल पर 46 रन मारा था दोस्तों, और सेकेंड इनिंग में इनको बैटिंग में चांस नहीं मिला था दोस्तों, बॉलिंग तो कमाल का किया था दोस्तों सेकेंड इनिंग्स में, फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग में चांस नहीं मिला था दोस्तों, और सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग में चांस नहीं मिला, बॉलिंग में चांस मिला था दोस्तों। 12 ओवर डाल के सेकेंड इनिंग्स में 4 विकेट लिया था दोस्तों, कमाल का बैटिंग किया था दोस्तों, कमाल का बॉलिंग भी किया था दोस्तों, कमाल का ऑलराउंडर दोस्तों वी वेस्टर। और डब्ल्यू सुदरलैंड के बारे में बात करें तो लास्ट मैच में फर्स्ट इनिंग के बारे में बात करी जाए तो फर्स्ट इनिंग में इनको बैटिंग का तो चांस नहीं मिला था दोस्तों, लेकिन बॉलिंग में चांस मिला था दोस्तों, 26 ओवर डाल के 1 विकेट लिया था दोस्तों फर्स्ट इनिंग में। और सेकंड इनिंग के बारे में बात करें तो सेकंड इनिंग में भी इनको बैटिंग में चांस नहीं मिला था दोस्तों, बॉलिंग किए थे 11 ओवर डाल के 0 विकेट, विकेट तो नहीं मिला था दोस्तों फर्स्ट सेकंड इनिंग में, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बॉलर है, इनको आप 100% पिक करना। और एम शॉट के बारे में बात करें तो एम शॉट ने लास्ट मैच में फर्स्ट इनिंग के बारे में बात करें तो फर्स्ट इनिंग में 58 बॉल पर 17 रन मारा था दोस्तों, इतना अच्छा बैटिंग नहीं किया था, लेकिन ओवर भी डाला था दोस्तों, 9 ओवर डाल के 1 विकेट लिया था दोस्तों, 9 ओवर डाल के 1 विकेट लिया था दोस्तों। सेकंड इनिंग में इनको तो बैटिंग में चांस नहीं मिला था दोस्तों, लेकिन बॉलिंग किए थे 2 ओवर में तो विकेट तो नहीं मिला था दोस्तों, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बॉलर बैट्समैन है एम शॉट, और बॉलिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं। मैंने ऑलराउंडर में 3 ऑलराउंडर को पिक कर लिया, उनका स्टैट्स भी बता दिया दोस्तों। आप बॉलर्स में देखा जाए तो बॉलर्स के बारे में बात कराया जाए तो मैंने 4 बॉलर्स को पिक करूंगा, पी सैंडल को और जे फ्रीमैन और एम प्रेयर को। मैंने बॉलर्स में तो 4 बॉलर्स को पिक कर लिया, उनका स्टैट्स के बारे में बात करें तो पी सैंडल के बारे में बात करें तो लास्ट मैच में फर्स्ट इनिंग के बारे में बात करी जाए तो लास्ट मैच में फर्स्ट इनिंग में 18 बॉल खेल के 7 रन मारा था दोस्तों, और बॉलिंग तो इन्हें कमाल का किया था, 18 ओवर डाल के 4 विकेट लिया था दोस्तों, कमाल का बॉलिंग किया था दोस्तों फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में इन्होंने कमाल का बॉलिंग किया है। पी सैंडल के बारे में बात करें तो सेकंड इनिंग में तो कमाल का बॉलिंग किया है, बैटिंग में तो चांस नहीं मिला था दोस्तों, लेकिन बॉलिंग में मिला था दोस्तों, बॉलिंग तो कमाल का किया था, 19 ओवर्स डाल के 4 विकेट, कमाल का बॉलिंग किया था दोस्तों लास्ट मैच में, 19 ओवर्स में 4 विकेट लिए थे। जे बट के बारे में बात करते, जे बट ने लास्ट मैच में फर्स्ट इनिंग के बारे में बात करें तो फर्स्ट इनिंग में इन्होंने 20 बॉल खेल के 4 रन मारा था दोस्तों, और बॉलिंग तो कमाल का किया था दोस्तों लास्ट मैच में फर्स्ट इनिंग में 18 ओवर डाल के 4 विकेट लिया था दोस्तों, कमाल का बॉलिंग किया था दोस्तों जे बट ने लास्ट मैच में फर्स्ट इनिंग में। और सेकंड इनिंग के बारे में बात करें तो सेकंड इनिंग में इनको तो बैटिंग में तो चांस नहीं मिला था दोस्तों, लेकिन बॉलिंग में तो 20 ओवर डाला था दोस्तों, 20 ओवर में 1 विकेट लिया दोस्तों, टोटल इन्होंने 5 विकेट लिया था दोस्तों लास्ट मैच में, फर्स्ट इनिंग में 4 विकेट और सेकेंड इनिंग में 1 विकेट, पूरा 5 विकेट लिया था दोस्तों लास्ट मैच में जे बट ने। और जे फ्रीमैन के बारे में बात करें तो लास्ट मैच में फर्स्ट इनिंग में 33 बॉल पर 6 रन मारा था दोस्तों, और बॉलिंग के बारे में बात करें तो बॉलिंग ने फर्स्ट इनिंग में 13 ओवर्स डाल के 1 विकेट लिया था दोस्तों, इतना अच्छा बॉलिंग नहीं किया था दोस्तों। और सेकंड इनिंग के बारे में बात करा जाए तो वो जे फ्री माइनस सेकंड इनिंग में 11 ओवर डाल के 0 विकेट, लास्ट मैच में फर्स्ट इनिंग में भी इतना अच्छा बॉलिंग नहीं किया दोस्तों, सेकेंड इनिंग में भी फर्स्ट इनिंग में 1 विकेट लिया और सेकेंड इनिंग में 0 विकेट, लेकिन जे फ्री मैन एक इम्पॉर्टेंट बॉलर है, आप इनको 100% पिक करना। और एम प्रेयर के बारे में बात करा जाए तो लास्ट में जो फर्स्ट इनिंग के बारे में बात करा जाए तो लास्ट में जो फर्स्ट इनिंग्स में 26 ओवर डाल के 0 विकेट, और सेकंड इनिंग के बारे में बात करें तो इतना ओवर तो नहीं मिला था दोस्तों, सेकंड इनिंग में 4 ओवर दिया था, 4 ओवर में 0 विकेट,
लास्ट में जो फ्लॉप बॉलिंग थी किए थे दोस्तों, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बॉलर दोस्तों आप इनको 100% पिक करना। मैंने 11 प्लेयर को पिक कर लिया दोस्तों, उनका स्टैट्स भी बताती हूँ। अब कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में बात करा जाए तो मैंने कैप्टन में बनाऊंगा पी हैंडस्कोप को, और वाइस कैप्टन के बारे में बात करा जाए तो एम हरीश को। दोस्तों एक बार मेरा टीम को देख लीजिए, मैंने विकेट कीपर में एक विकेट कीपर को पिक किया हूँ पी हैंडस्कोप को, और बैट्समैन में देखा जाए तो मैंने 3 बैट्समैन को लिया हूँ, जे सिल्क, एम हरीश और जी सी जेवल को। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट बैट्समैन है दोस्तों, आपको इन तीनों ने ग्रैंड लीग जिता सकते हैं। विकेट कीपर तो लास्ट मैच में कमाल का बैटिंग किया था दोस्तों, 281 रन मारा था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर दोस्तों। अब तक मैं जीरो टीम आपको दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टीम है, आप इनको 100% आपको ये स्मॉल लीग या ग्रैंड लीग 100% जिताएंगे दोस्तों। और ऑलराउंडर में देखा जाए तो मैंने 3 ऑलराउंडर को पिक किया, बी वेस्टर और एम शॉट और डब्ल्यू स्विट्जरलैंड को। और बॉलर्स के बारे में बात करें तो मैंने 4 बॉलर्स को पिक किया, पी सैंडल, जे बर्ड और जे फ्रीमैन और एम पेयर को। दोस्तों मेरा कोई फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको लाइनअप अनाउंस होने के बाद मेरा टेलीग्राम में मिलेगा, इसीलिए मेरे टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जो आपको ये टीम दिखाई दे रहे हैं आप स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल लीग हेड टू हेड 3 स्पॉट, 4 स्पॉट और 5 स्पॉट्स में आप 100% विन होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और लाल वाला घंटी को जरूर दबाना। थैंक यू।